अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफीज के वीडियो सबसे पहले। आज मैं बात करने वाला हूँ अभिनेता संजय दत्त और अभिनेत्री ऋचा शर्मा की बेटी त्रिशला दत्त के बारे में, तो चलिए उनके बारे में शुरू से पता करते हैं। उनका जन्म 10 अगस्त 1988 को मुंबई भारत में हुआ था। उनके पिता का नाम संजय दत्त है और माता का नाम ऋचा शर्मा है। 1986 में ब्रेन ट्यूमर के लिए उनकी मां ऋचा शर्मा की मृत्यु हो गई थी। पूर्व भारत अभिनेत्री मान्यता दत्त उनकी सौतेली माँ है। उनके पास सारा नामक एक भाई है और एक बहन इकरा दत्त है। बड़े अनुभवी अभिनेता सुनील दत्त और दीवा नरगिस उनके दादा दादी है। त्रिशला दत्त अपने पिता संजय दत्त के बहुत करीबी है क्योंकि उनके माँ की मृत्यु के बाद उन्हें अपने पिता के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिला। संजय दत्त को गिरफ्तार करने के बाद वो न्यूयॉर्क लौट आए। त्रिशला दत्त अब न्यूयॉर्क के क्वींस बे साइड में अपने दादा दादी के साथ रह रहे हैं। वो जॉन जे कॉलेज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस न्यूयॉर्क से अपनी पढ़ाई पूरी किए थे। उनके साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वो फिल्म बिरादरी का हिस्सा बनने चाहते हैं, लेकिन जल्द ही उनके पिता की गिरफ्तार के बाद त्रिशला दत्त यूएसए वापस चले गए, इसलिए बॉलीवुड में प्रवेश करने की कोई योजना नहीं है। त्रिशला ने अपने पिता के लिए अपना प्यार व्यक्त किया और पोस्ट किए, मैं अपने पिता से प्यार करता हूँ और मैं हमेशा उनके खून, उनका पहला जन्म, उनका सब कुछ रहूँगा। मैं सिर्फ बेवकूफ धारणा बनाने वाले लोगों के लिए चिंतित हूँ क्योंकि मैं जजमेंट के समय भारत में क्यों नहीं था, मैं चुप क्यों हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर चित्रों को पोस्ट करके सबको खुश क्यों कर रहा हूँ। वो दोस्तों के साथ पार्टी करना पसंद करते हैं और एक फैशन सेंस की है। एक बार उनके शादी की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर त्रिशला ने कहा कि वो किसी से डेटिंग नहीं कर रहे, इसलिए वो वर्तमान अविवाहित है। वो न्यूयॉर्क में ड्रम प्रेस शहर एक्सटेंशन का संस्थापक है जहां वो अपनी जीवन शैली और सौंदर्य संबंधी पोस्ट प्रदान करते हैं। त्रिशला दत्त एक भारतीय उद्यमी है। वो बहुत मोटे थे इसलिए उन्होंने अपने अतिरिक्त वजन खो दिए और अब वो बहुत सुंदर और हैंडसम दिखते हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग पर वजन घटाने की युक्तियां भी साझा किए हैं। संजय ऋचा की बेटी ने हाल ही में अपने माँ के आखिरी पत्र साझा किए जो गंतव्य के रूप में है। हम सब एक साथ चलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपना रास्ता चुनते हैं, मैंने अपना चुना है लेकिन मुझे एक मृत्यु सड़क में छोड़ दिया गया है, मैं वापस कैसे जा सकता हूँ, क्या मुझे एक और मौका मिलता है, हमेशा बताता है अगर मैं इसे लेता हूँ तो भी इंतजार करूँगा, मुझे पता है कि अंदर गहराई में कोई भी रास्ता नहीं है और मुझे पीछे छोड़ दिया है, मुझे अभी भी उम्मीद है मेरा गार्डन एंजल मुझे कुछ जगह ले जाएगा जहाँ मेरे सपनों का इंतजार होगा, वे मेरी देखभाल के साथ खुले हाथों में मेरा स्वागत करेंगे। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर इसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।